हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लाया हूँ रेडमी नोट 5 प्लस। तो ये हैंग ऑन लोगो हो चुका है। बहुत फाइल डालने की कोशिश की थी नॉर्मल, तो कुछ नहीं हो पाया। इसमें बहुत सारे फाइल डाल चुके हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं क्योंकि शायद 19% कंज्यूम का एरर जब आता है तो यही दिक्कत आता है। अक्सर जितना भी फाइल डालो तो कोई दिक्कत कोई शो नहीं करता, हैंग ऑन लोगो ही आ जाता है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो आप वीडियो में बने रहें और अगर कुछ राय सलाह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब आपकी आती है चीज़ें। हाँ, तो मैं वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और आपको मैं जहाँ पे बताना है वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है? जहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट है तो एक बार आप देख लीजिए वीडियो को पूरा। आईसी निकाल चुके हैं तो इसमें हम एडाप्टर बॉक्स में लगा के, ये देखो ये UFI कनेक्ट हो गया। इसके बाद ये देखो हमारा UFI का, ठीक है, 90% कंज्यूम एरर है। और इसमें पहला में हमको एग्जीक्यूटेड डाटा पूरा लेना है, ठीक है? जिसका जितना भी एग्जीक्यूटेड डाटा है, इसमें 1 GB 2 GB का सपोर्ट नहीं करना है, ना फाइल्स सिलेक्ट नहीं करना है कि इसमें पूरा एग्जीक्यूटेड जितना भी डाटा है वो ले लेना है। तो देख लीजिए, तो आपको मैंने एग्जीक्यूटेड डाटा क्यों कहा है क्योंकि देखो इसमें हमको जितना भी सेट चालू करने चालू जब तक सेट, मतलब आप ये समझो कि हमको सेट ऑन होने में क्या क्या फाइल होते हैं, वो सारे फाइल एग्जीक्यूटेड डाटा में ऑलरेडी सेव होते हैं उसमें। तो इसीलिए इसको एग्जीक्यूटेड डाटा का अलग सा सेटिंग दे रखा है। तो उसमें हमारा नेटवर्क फाइल वगैरह वगैरह जितने भी है सारे फाइल आ जाएंगे। तो आप क्योंकि 90% कंज्यूम है तो इसको हमको अगर रिस्टोर करना है तो हमको डाटा स्विच करना पड़ेगा। तो हमने अभी फैक्ट्री रिसेट EMMC फैक्ट्री रिसेट किया है। उसके बाद जो भी टास्क आप करो आइडेंटिफाई ज़रूर कर लेना, ठीक है? इसके बाद हम इरेज कर रहे हैं ताकि इसका सारा लोकेशन सॉरी सारा डाटा जितना भी हो सारा इरेज हो जाए। तो इसमें अगर देखते हैं 90% कंज्यूम जाता है कि नहीं है, अगर चला गया ठीक है, अगर नहीं गया तो नेक्स्ट स्टेप इसका हम अप्लाई करेंगे, ठीक है? नहीं चला नहीं गया इसका अभी भी है तो इसमें ये देखो आपको मैं अभी दिखा दूँगा EMMC पार्टीशन करके, ये देखो टैब है नेक्स्ट टैब ये रहा। और इसमें देखो नीचे यूज़र एरिया GP1 GP2 GP3 GP4 जितने भी दे रखे हैं इन सारे को आप सिलेक्ट करो, ठीक है? और राइट पार्टीशन सेटिंग कर दो। तो डन हो गया, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा 90% कंज्यूम जो है ये चला गया, ठीक है?
आप ये समझ के चलो कि लगभग अब ऐसे ज़्यादा दिन तक तो नहीं कह सकते चलेगा, क्योंकि 90% आपका लगभग AMMC जो है वो रिजर्व हो चुका है ऑलरेडी, तो कुछ दिन चल सकता है। वो कंफर्म नहीं है कि कितना दिन चलेगा, तो फिलहाल के लिए हम सेट हमारा कंप्लीट कंप्लीटली चालू हो जाएगा, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितना भी चले ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ये नहीं है, इसके लिए हमको MMC चेंज करेंगे तो कुछ और हेल्दी फुल हो जाएगा मोबाइल ठीक है। तो इसके बाद हमें जो भी हमने अभी तक का फाइल लिए हैं एग्जीक्यूटेड फाइल, तो उसको हमको रिस्टोर करना पड़ेगा ठीक है। जो हमारा 5-6 GB का कुछ का हमने बैकअप अभी बना रखे थे, तो उसको लेना पड़ेगा हमें ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया, और देखो फाइल एक बार मैं आपको चूज करा देता हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर कोई भी आप टास्क कंप्लीट करने के बाद आप आइडेंटिफाई ज़रूर कर लेना ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा, रख लीजिएगा। मेरा हिंदी उतना प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तब भी आप समझ सकते हो ठीक है। तो ये देखो हमारा boot 1 boot 2 .exe और यूज़र पार्टीशन जितने भी फाइल है हम उसको लोड कर देंगे। यूज़र 1 boot 1 में boot 1, boot 2 में boot 2, और .exe में .exe और यूज़र में यूज़र ठीक है। तो इसको हम राइट कर देंगे ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ, तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए ठीक है। ये आपका है देखो डब पार्टी boot 1 boot 2 चढ़ गया, और यूज़र डेटा बहुत लंबा है, तो इसको थोड़ा बहुत फास्ट वाला कर देते हैं। हमारा फाइल कंप्लीट हो चुका है ठीक है। आपको मैं एक बार आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। ये देखो कंप्लीटली फाइल सेटअप हो गया है। देखो मैं एक बार यूज़र डेटा में ये देखो फाइल चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। ये देखो मैंने जो पार्टीशन फाइल ली थी अलग से, एक बार आपको नाम भी दिखा दूंगा, ये रहा फर्स्ट वाली ठीक है। तो हाँ इसका मैं देखो यूज़र डाटा लेके देखता हूँ एक बार, लेता है कि नहीं लेता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी होता है तो नहीं लेगा, अगर नहीं होता है तो ले लेगा। ये देखो ठीक है, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हुआ, यानी कि ये पहले से ऑलरेडी ले चुका है। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा था अभी तक। तो अगर एग्जीक्यूटेड फाइल लोगे तो आपका ये फ़ायदा होता है, और दूसरी बात आपको फिर से अलग से फाइल डालना नहीं पड़ेगा ठीक है। तो हमारा ये काम हो चुका है, तो ठीक है अब थोड़ा बहुत IC सेटिंग का काम भी कर लेते हैं। आपको देखो हमारा एडाप्टर से पहले मैं IC निकाल लेता हूँ ठीक है। तो ये रहा हमारा PCB, थोड़ा बोल पुराने बचे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत इसको साफ सुफ कर लेते हैं। तो इसको पहले तो हमें इसको साफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत वीडियो लंबा ना बने ठीक है। तो इसको पहले साफ कर लेते हैं क्लियर से।
साफ होने के बाद ये देखो मेरे को आईसी उतारना पड़ा, और आईसी में मैंने को रिबॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही बॉल है, तो मैं रिबॉल नहीं करूँगा क्योंकि काम चल जाएगा मेरा, तो मैंने रिबॉल नहीं किया, ऐसे ऐसे लगा दे रहा हूँ देखो। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। ठीक है, थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है तब भी फिर भी देख लीजिएगा कि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैं आपको इसको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सारा ठीक है, रहा बोट। देखो हम पैकिंग करके चेक करके दिखा देते हैं। ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि अभी फाइल डला है, तो पहले देखते हैं सेट चालू है कि नहीं है। चलो सेट तो हमारा चालू हो गया। तो देखते हैं थोड़ा सा वीडियो को एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके। तो अगर इस तरह के किसी प्रॉब्लम हो सॉफ्टवेयर रिलेटेड और कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड, तो आप मेरे को व्हाट्सअप टेक्स्ट कर सकते हैं, तो आपको 24 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखो क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत काम होता है, तो मैं टाइम पे कभी कभार रिप्लाई दे ना पाऊँ, तो अगर आपका जैसे मैंने टेक्स्ट देखूँगा मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपकी सॉल्यूशन ढूँढने का मैं कोशिश करूँगा। तो मेरे से जितना हेल्प हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो आप यही वाला लास्ट, अगले दिन से फिर दूसरा देखेंगे। तो आप अगर इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आपका, जैसे UFI रिलेटेड, आपका EGZ रिलेटेड, तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं हमको। ठीक है, तो देखते हैं इन तक सेट का क्या हाल होता है। ठीक है, अल्लाह।